सो हे गाइस, व्हाट्सअप एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, आपका वापस से वेलकम बैक है। कोई ब्रांड न्यू गेम प्ले वीडियो नहीं है, ये आप लोगों के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि कई लोगों को इस चीज़ में प्रॉब्लम होती है कि गन के स्कोप का रिकॉइल कैसे कंट्रोल करें। सो रिकॉइल कैसे कंट्रोल करें वो मैं आज आपको सच्ची सब क्या बात बताऊँगा। लोग एडीएस सेटिंग बताते हैं, एडीएस सेटिंग से फ़र्क पड़ता है, पर एडीएस सेटिंग किस चीज़ के लिए काम आती है और रिकॉयल कंट्रोल करने के लिए क्या काम आता है, ये सब मैं आज आपको बताऊंगा, क्योंकि कोई आदमी ये नहीं बताएगा, मैं ये सीक्रेट रिवील करूंगा। सो लेट्स एक बार चेक कर लीजिए, सारे स्कोप ले लेता हूँ मैं। तो एक बार चेक कर लीजिए, ये मेरा रिकॉयल है, मतलब 6x का मैं आपको स्प्रे दिखाऊंगा कि कैसा होता है, किस तरीके से करते हैं। ये मेरा रिकॉयल है रेड डॉट का, ठीक है, मैं आपको पूरा बता रहा हूँ धीरे धीरे। सुप्रेसर के साथ ये सुप्रेसर से क्या होता है, मेरे ख्याल से सुप्रेसर से क्या होता है, सुप्रेसर जो काम करता है वो रिकॉयल थोड़ा बिगाड़ देता है, तो इसलिए सुप्रेसर के बिना बता रहा हूँ। तो ये था, अब आ रही है 6x की, ठीक है, और ये है मेरे 6x का रिकॉयल, ये देख लीजिए। ओके, और अब बारी आती है 4x की, ये है मेरे 4x का M4 के साथ, ठीक है, और अब बारी लाते हैं हम 3x की, ये है मेरा 3x M4 के साथ। सारे स्कोप्स का बढ़िया रिकॉइल है। सो अब आई थी 2x की, और 2x तो मैं समझता हूँ होलोग्राफिक और 2x रेड डॉट्स बिग जैसे ही हैं, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है इनमें। सो ये था मैं 2x रिकॉइल। अब आप मेरी सेंसिटिविटी देख लीजिए कि मेरी क्या क्या सेंसिटिविटी है। ये मेरे कैमरा सेंसिटिविटी, ये सब मेरी दूसरी, ठीक है, दूसरा कैमरा, ये 2 मिनट आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, ये मेरी एडीएस सेंसिटिविटी है, और ये है मेरी जायरो। तो मैं आपको एक सिंपल बात बता देता हूँ कि एडीएस सेंसिटिविटी से रिकॉयल कंट्रोल नहीं होता, रिकॉयल कंट्रोल होता है एक तो गन्स पे जुड़े अटैचमेंट से और जायरोस्कोप से। अब मैं आपको एक बार जायरो आपको बताता हूँ, जायरो ऑन कहाँ से करें। सो गाइज, ये है जायरो, जायरो आप जो भी बुलाते हो वो आपके ऊपर है, ये होता है, इसको ऑलवेज़ ऑन कर देना। जायरो बहुत काम करता है, और आप लोगों ने ये भी देखा होगा जब अपन इससे सिंपल अपने जो ये सामने पॉइंटर रहता है, इससे अगर फायर करते हैं बिना जायरो के तो ये भी ऊपर जाता है फायरिंग के टाइम, तो जायरो से भी ये कंट्रोल होता है, ये जायरो के उसमें बिना ऊपर नहीं जाता। जायरो अगर आपके पास है तो ये ऊपर नहीं जाएगा, और देख लीजिए जायरो मतलब ये यहाँ पर रहता है ना विंड में, मैं इस पर ट्राई करता हूँ चलाने के लिए, देखिए ऊपर नहीं जा रही गन बिल्कुल भी, मतलब जायरो है तो जायरो थोड़ा इधर उधर तो होता है, पर हाँ ज़्यादा इधर उधर जब आपका बंदा नॉक आराम से हो जाएगा अगर आपके सामने से बंदा है, और वही मैं जायरो क्लोज़ कर देता हूँ। ये देखिए ये स्प्रे, ये देखिए नहीं आएगा, ये बस ऐसे नीचे लाओगे फिर ऊपर जाएगा, ये सबके साथ यही प्रॉब्लम होती है, ऐसे ऊपर जाता है इसको, तो मैंने इस पर देख लीजिए, ये देख लीजिए अभी भी ऊपर जा रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा है, वापस ऊपर जा रहा है, ये सबके साथ यही प्रॉब्लम रहती है, सबका स्कोप ऐसे जाता है। और अगर मैं वही जायरो ऑन कर देता हूँ सो फिर आप खुद देख लीजिएगा क्या आपको रिज़ल्ट मिलता है, ये रिज़ल्ट मिलेगा आपको जायरो ऑन करने के बाद, ठीक है, आप खुद देख लीजिए रिकॉइल में कितना कंट्रोल आया। लोग बोलते हैं एडीएस सेंसिटिविटी से कंट्रोल होता है, नो मैं मना करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। अब आप देख लीजिए रेड डॉट देख लीजिए फिर से, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है रेड डॉट, या तो आज ब्लास्ट कर दिया मैंने पेट्रोल कैन, ठीक है, ये होता है गाइस, आपको मैंने बता दिया जायरो से सब कुछ कंट्रोल होता है, ना कि एडीएस से। एडीएस का ही मैं आपको काम बता देता हूँ, एडीएस का काम ये रहता है, रुकिए मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे होता, क्या काम रहता है एडीएस का, ओके थोड़ा सा वेट करिए मैं आपको आगे बताऊँगा। अब मैं सिर्फ जायरो आप हमेशा ऑलवेज ऑन रखिएगा, जायरो ऑलवेज ऑन रखने से क्या होता है, ऑलवेज ऑन रखने से अगर आप दौड़ रहे हो एकदम पास में बंदा आ जाता है तो आपको जंप करके आराम से उसके थोड़ा सा टिल्ट करोगे ना फ़ोन की स्क्रीन तो आराम से बंदा ना, और अगर आप जायरो स्कोप ऑन पर रखोगे तो स्कोप काम करेगा, स्कोप अपने हिलेगा आराम से, और ऑलवेज ऑन रखोगे तो बहुत बढ़िया चीज़ है ना। सो ये चीज़ जायरो का, और ये स्कोप ऑन पर ऐसे नहीं हिलेगा, स्क्रीन नहीं हिलेगी, ये देखिए अपने आप ऊपर जाएगा, मैं आपको क्या बताया था पॉइंटर अपने आप ऊपर जाएगा जायरो अगर बंद कर देंगे तो, मैंने सिर्फ स्कोप ऑन पे किया
पे देखिए पॉइंटर भी ऊपर जा रहा था, और ऑलवेज ऑन पे, और ऑलवेज ऑन पे ये देखिए एक जगह गोली लगी, 1 2 3 ये रेड डॉट का, ठीक है, ये फ़र्क रहता है ना। ये मैं आप कॉपी कर लीजिएगा अगर आपको देखना है, बिल्कुल एक्यूरेट है मेरा सब कुछ। और ये देखिए मैं अगर इसको कम कर देता हूँ तो कोई मेरे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये ADS था, ADS से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपको फिर बता देता हूँ। क्लोज कर दिया बस, ADS से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने ADS को बिल्कुल कम कर दिया, फिर भी स्कोप ऊपर जा ही रहा है, क्योंकि ADS से कोई रिकॉइल का लेना देना नहीं है, लेना देना है जायरो से, ये कोई नहीं बताता। लोग सेंसिटिविटी लोगों की कॉपी करते हैं, तो लोग सेंसिटिविटी कॉपी करते हैं तो उसमें कोई फ़र्क नहीं रहता, कोई फ़र्क नहीं होता, बस जो रहता है जायरो का खेल रहता है, आप कुछ भी कर लो, है ना। तो ये चीज़ मेरे को आपको बतानी थी, मैंने बता दी, ये बताने लायक चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। आपको जैसा समझ आता है, आप जायरो खेलना चाहते हो जायरो खेलें, आपको जो खेलना है आप वो खेलें, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो अगर आपको रिकॉइल कंट्रोल करना है तो मेन काम जायरो का होता है, ना कि ADS का। ADS का जो होता है, ADS में ये रहता है अगर आप फायर करोगे तो ऊपर से लेके नीचे तक आएगा, है ना, मतलब ऊपर लेके जाएगा पर नीचे नहीं लेके आएगा जितना ADS कम कर दोगे। तो अभी मैं खेलता हूँ TDM, आपको बताता हूँ मैं कैसे क्या जायरो ने काम किया जब सामने बंदा आया, ठीक है, आइए चालू करते हैं। सो गाइस, आपने देखा फायर करते टाइम मेरा जो पॉइंटर था बिल्कुल भी ऊपर नहीं गया, मैंने बंदे के वेस्ट पे गोली मारी और वेस्ट पे ही गोली लगी, और अगर उसकी जगह मैं जायरो ऑफ रखता तो क्या होता, वो पॉइंटर ऊपर की साइड जाता, मेरा पॉइंटर ऊपर की साइड जाता और धीरे धीरे बंदे के ऊपर जाता रहता, तो उससे क्या होता, उसको डैमेज कम होता और उतने में वो एक जगह पॉइंटर रख के मुझे मार देता, क्योंकि अगला जायरो खेलता होगा। जिनको इस चीज़ के बारे में पता है कि रिकॉइल कंट्रोल करना है तो उसका एक ही उपाय है, वो है जायरो, तो अगला बंदा खेल रहा होगा जायरो से, ठीक है। और अगर वो अब आपके ऊपर, आप ADS को जाए, ADS को रिकॉइल कंट्रोल वाला समझते हो तो ठीक है, और जायरो को समझते हो तो आप होशियार हो। सो गाइस, मेरे ख्याल से अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपने ये भी देखा होगा कि इस बंदे को मैंने कितना दूर से रेड डॉट से मारा, क्योंकि मेरा रिकॉइल बिल्कुल बेस्ट है, और अगर वही अगर ये प्रॉब्लम होती तो मेरा जो गन का पॉइंटर था वो गोली को, रेड डॉट का जो डॉट था वो गोली को ऊपर लेके जाता, ऊपर उठता रहता, और मैं एक साइड के अपने थंब से उसको नीचे लेके आने की कोशिश करता, पर जायरो ऑन था, रिकॉइल कंट्रोल में था, तो जायरो से आराम से मैंने उसको मार दिया। तो आगे देखो, और सो गाइस, आपने ये देखा, ये बंदे ने नीचे से स्वाइप होने की कोशिश करी, पर मेरा जायरो, मैंने हाथ फ़ोन को ऊपर से थोड़ा टेढ़ा करा और जो एम असिस्ट था उसने इसके हेड पे शॉट दिया और ये मर गया। देखो, सो गाइस, देखा मैंने 4x को आपको फुल जूम करके भी बता दिया कि कैसे 4x को एक सांप बने हुए बंदे को मैंने मारा, ठीक है। तो मैंने आपको फुल जूम करके बता दिया कि मैंने 4x की हेल्प से कैसे मारा, तो देख लो यही जायरो काम करता है, फिर बता देता हूँ। सो गाइज, ये थी आज की पूरा वीडियो का मतलब, मैं आपको खेल के ही बता दिया, और मेरे गेम प्ले मत जाना, मैं सिर्फ एक गेम के लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा था कि और बताना था किस टाइप से मारो, इसलिए ऐसा खेला, बल्कि मैं कैसा खेलता हूँ मैंने ऑलरेडी डाल रखा है वीडियो पे, आपको लास्ट में यहाँ पे मिल जाएगा उसका लिंक, आप क्लिक करके देख सकते हो। सो मत जाना, और बता दिया मैंने, कोई आपको इतना नहीं बताएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जाते जाते लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जाते जाते कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा इंस्टाग्राम ID फॉलो नहीं किया तो वो साइड में दिख रही है, जाके उस पर फॉलो कर दीजिए, क्योंकि मैं आने वाली वीडियो से पहले उस पर अपडेट कर देता हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टाटा एंड गुड बाय।